नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पेट के लिए हम लोग जियोग्राफी का क्लास पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी में मैंने आपको कवर कराया भारत एवं भारत के पड़ोसी देश, भारत की स्थिति, पड़ोसी देश से विवाद, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ थी सारा मैंने आपसे शेयर कर दिया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में मैंने आपको एक नदी तंत्र पढ़ाया, सिंधु नदी तंत्र। रिवर सिस्टम को मैंने बता दिया था कि दो भागों में बांटा गया है, सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा क्या बताया था, प्रायद्वीपी भारत से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ थी कौन कौन सी, सिंधु, इंडस और उसके बाद क्या, ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा। मैंने ऐसे ही चर्चा किया था और ऐसे ही आपको सीरियल वाइज सीरियल पढ़ाऊँगा भी। और उसके बाद जो प्रायद्वीपी भारत से निकलने वाली नदियाँ थी वो क्या क्या थी, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ को हम ये भी बोल सकते थे पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ, और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हम बोल सकते हैं पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। तो अब हम लोग बात करेंगे हिमालय, हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें मैंने एक आपको कंप्लीट करा दिया सिंधु नदी तंत्र, इंडस हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इंडस रिवर सिस्टम, यह हम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड नंबर पे ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग आज पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में क्या क्या हमको देखना है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का कई कई सारा नाम है, और उस सारे नाम को कहाँ पे, किस राज्य में कौन सा नाम होता है, किस देश में कौन सा नाम होता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तीन देश से होकर बहती है। सबसे पहले निकलती है कहाँ से, तिब्बत से निकलती है जो कि इसमें चीन का एरिया है, और उसके बाद वह भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम क्या रहता है, फिर असम में क्या नाम हो जाता है, फिर असम से निकलती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, बांग्लादेश में आती है तो बांग्लादेश देश में उसका तीन नाम हो जाता है। तो सारे नाम को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर उस नदी पे एक द्वीप भी स्थित है उसको भी जानेंगे। उसके बाद ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के भी बारे में जानेंगे, और ब्रह्मपुत्र के लिए इतना क्या होता है, सफिशियंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जानेंगे, जो कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह निकलती है मान सरोवर के चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से, जो कि कहाँ, तिब्बत का क्षेत्र है, जो कि तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत का एरिया है। यह है कहाँ, यह है चीन में, यह है चीन में। तो चीन में अगर हम ब्रह्मपुत्र की नाम की बात करें तो उसका नाम है सांगपो। क्या नाम है, सांगपो। और जैसे ही भारत में वह प्रवेश करती है, जैसे ही भारत में जब वह प्रवेश करेगी यांगयाप दर्रे से, अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से जैसे ही प्रवेश करेगी, यांगयाप
दर्रा, वहां पे उसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। यह दिहांग गार्ज बनाती हुई दिहांग नदी इसका नाम हो जाता है, और फिर यह जैसे ही असम में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। उसके बाद यह जैसे ही असम से निकल कर, असम से धुंसरी नामक स्थान से निकलती है, निकल कर जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाएगा? जमुना। फिर जैसे ही आगे बढ़ेगी जमुना के बाद, आके उधर से गंगा की जो दो धारा बढ़ जाती है, एक पद्मा और एक हुगली में, वह क्या होती है, वहाँ आके बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद यह ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है, तो नाम हो जाता है उसका पद्मा। फिर उसके बाद मणिपुर से बराक नदी, बराक नदी या उसको मेघना नदी के नाम से भी जानते हैं, जैसे ही आकर पद्मा से या ब्रह्मपुत्र से मिलती है, उसका नाम हो जाता है मेघना। और मेघना नाम होने के बाद यह क्या करती है, अपने जल को बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित कर देती है, कहाँ पे, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए वह कहाँ, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना निकाल देती है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं नक्शे में ब्रह्मपुत्र नदी। यह मेरा मानसरोवर वाला, तिब्बत वाला इलाका है मानसरोवर। मैंने आपको यहीं से, मानसरोवर से ही दो नदी निकली थी, एक इंडस और एक नीचे सतलज। सतलज राक्कस ताल से निकली थी, इंडस कहाँ से निकली थी, बोखर चू से। इंडस कहाँ से निकली थी, बोखर चू से। लेकिन इसी मानसरोवर में एक पड़ता है चेमा युंग डुंग। क्या पड़ता है? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, जो कि चीन में तिब्बत क्षेत्र में है। तिब्बत क्षेत्र इसमें कहाँ का है? चीन का एरिया है। अब यहीं से वो क्या निकलती है, यहाँ पे मेरा जो दर्रा है उसका नाम है यांग याप दर्रा। क्या नाम है? यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, निकलती है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलती है, और निकल के यह चाइना में बहते हुए पहुँच जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे एक गार्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है दिहांग गार्ज। इसी पे करती है गार्ज का निर्माण, जिसका नाम क्या है, दिहांग गार्ज। नाम है दिहांग गार्ज। इसी दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, लेकिन जब तक यह भारत में नहीं प्रवेश करती है इसका नाम रहता है सांगपो। कौन सी नदी? सांगपो। जैसे ही यह भारत में प्रवेश करती है, दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, उसके बाद जब यह बहती है दिहांग गार्ज का निर्माण करते हुए असम तक, तो इसका नाम रहता है दिहांग नदी। इसका नाम क्या है? दिहांग नदी। असम तक इसका नाम क्या हो जाएगा? दिहांग नदी। जब तक अरुणाचल प्रदेश में बहेगी इसका नाम कौन सा नदी रहेगा? दिहांग नदी। कौन सा नदी? दिहांग नदी। यह है दिहांग नदी। इसका नाम है दिहांग नदी।
दिहांग नदी में दो नदियां आकर मिलती हैं। दिहांग नदी में दो नदियां आकर मिलती हैं। कौन कौन सी नदी आकर मिलती हैं देख लीजिए। मिलती हैं एक दिबांग और एक लोहित। दो नदी आकर मिलेगी, एक का नाम है दिबांग और दूसरे नदी का नाम है लोहित। दूसरे नदी का क्या नाम है? लोहित नदी। लोहित नदी ये किसकी सहायक नदी है? ये है दिहांग नदी की सहायक नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चेंज हुआ कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में चेंज हुआ, जैसे ही भारत में यांग गया दर्रे से किसका दिहांग गार्ज का निर्माण करते हुए आगे बढ़ी, उसका नाम दिहांग नदी हो गया, जिसकी कि दो सहायक नदियां एक दिबांग और एक लोहित नदी। और ये जो लोहित नदी है यह पासी के घाट में मिलती है। किससे? दिहांग से या ब्रह्मपुत्र से कह सकते हैं। पासी के घाट में इसका एक और बड़ा योगदान है, इसको एक और नाम से जानते हैं। किसको? लोहित नदी को। इसमें लाल अवसाद के कण आते हैं, इसमें जो होते हैं लाल अवसाद पाए जाते हैं, इसीलिए इसे खूनी नदी भी कहते हैं। किसको? ये जो लोहित नदी है इसमें लाल अवसाद पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा जरूरी से, नहीं तो ये भूल सकता है। लिख लीजिए यहाँ पे, जो लोहित नदी है, लोहित नदी यह कहाँ ब्रह्मपुत्र से मिलती है? यह मिलती है ब्रह्मपुत्र से। कहाँ पे यह मिलती है? ब्रह्मपुत्र से पासी के घाट में। कहाँ मिलती है? पासी घाट पर। और इसी लोहित में आता है लाल अवसाद। क्या है? लाल अवसाद। इसीलिए इसको बोलते हैं खूनी नदी। खूनी नदी ये किसकी बात हो रही है? लोहित नदी की बात हो रही है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? हम कह सकते हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र या किसकी? ब्रह्मपुत्र या एक नाम और क्या? लोहित, ये दिहांग नदी। और उसके बाद जैसे ही दिहांग नदी पहुंचती है असम में, असम में जैसे ही प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र में धुंसरी नामक स्थान से यह निकलती है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्म पुत्र। और ब्रह्मपुत्र में जैसे ही धुंसरी नामक स्थान से यह निकलती है बाहर, इसका नाम हो जाता है जमुना। इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना नदी। क्या हो जाता है? जमुना। तो सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे एक नदी द्वीप है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे एक नदी द्वीप है जिसका नाम है मांजुली नदी द्वीप। क्या नाम है? मांजुली नदी द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो कि किसका? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बड़ा नदी द्वीप है यह, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मांजुली द्वीप का जो एरिया है वह लगभग 758 किलोमीटर है। और उसके बाद इस पे जो पॉपुलेशन है, इस समय पॉपुलेशन इसका जो है 1.5 लाख के करीब है। और यह 2016 में जो मांजुली है इसको क्या कर दिया गया? जिला घोषित कर दिया गया। इसी द्वीप को, मांजुली को क्या कर दिया? जिला घोषित कर दिया गया। और इसका गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम भी आ गया। और उसके बाद इसकी जो खास बात है मांजुली द्वीप की, इसके पहले 2016 के पहले जो मांजुली द्वीप था यह कहाँ था? यह था आपका जोहरत का हिस्सा।
असम का जो जोहरत जिला है उसका हिस्सा था, लेकिन 2016 के बाद इसका नाम मांजुली खुद जिला घोषित कर दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ, इसको गिनीज वर्ल्ड बुक में इसका नाम भी आ गया, क्योंकि यह दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ पे की पॉपुलेशन है। अब उसके बाद देखते हैं आगे, इस ब्रह्मपुत्र नदी में, इसी ब्रह्मपुत्र नदी में एक मणिपुर से नदी निकलती है, मणिपुर से वह जाकर कहाँ, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और यह जो नदी है इसका नाम है धनश्री, क्या नाम है, धनश्री या शुभनाश्री, धनश्री या शुभनाश्री, इस नदी का क्या नाम है, धनश्री या शुभनाश्री, धनश्री या शुभनाश्री, शुभनाश्री। और यह जो नदी है यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो मणिपुर से निकलती है एक पहाड़ी से, जिसका नाम क्या है, ल्यासांग पहाड़ी, इसका नाम क्या है, ल्यासांग पहाड़ी, ल्यासांग पहाड़ी, इधर लिख देते हैं, क्या नाम है, ल्यासांग पहाड़ी, ल्यासांग पहाड़ी। उसके बाद क्या होता है, एक नदी और भूटान से आती है जिसका नाम क्या है, मानस नदी, जो भूटान से बहती हुई आती है और आके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, इसका नाम क्या है, मानस नदी, मानस नदी। यह आके ब्रह्मपुत्र से असम में ही मिल जाती है, भूटान से आती है, नाम है मानस नदी, मानस नदी। उसके बाद जैसे ही यह कहाँ पे, यह है धुनसरी, ये कौन सा स्थान है, यह है धुनसरी, यह स्थान है धुनसरी, स्थान क्या है, धुनसरी से ही वह असम से निकलती है बाहर, और उसके बाद वह पहुंच जाती है बांग्लादेश में, तब इसका नाम हो जाता है जमुना, इसका नाम क्या हो जाएगा तब, जमुना, जमुना नदी। उसके बाद इधर से गंगा नदी बहती हुई आती है, गंगा नदी इधर से बहती हुई आती है और वह जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, जो कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल के बाद जैसे ही जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है उसका नाम हो जाता है मेघन, उसका नाम हो जाएगा क्या, पद्मा, क्या नाम हो जाता है, पद्मा। यही गंगा नदी आके जब मिलती है उससे तो उसका नाम हो जाएगा पद्मा। पद्मा नदी और उसके बाद एक मणिपुर से और नदी निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बराक नदी, या उसको मेघना नदी भी बोलते हैं। मणिपुर से निकलती है, मणिपुर से कौन सी पहाड़ी से निकलती है, जाह्नवी पहाड़ी से निकलती है, ये जाह्नवी पहाड़ी से निकलती है, बहती हुई आके मिल जाती है किससे, ब्रह्मपुत्र से या पद्मा से, तब इसका नाम हो जाता है मेघना नदी, और यह जाके अपना बंगाल की खाड़ी में जल गिरा देती है, और यहीं पे बनाती है क्या, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, इसी जगह किसका निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का, यहीं पे निर्माण होता है सुंदरवन डेल्टा, जो कि सबसे आधा भाग कहाँ पे है उसका, बांग्लादेश में, और उसका भाग भारत में भी है।
तो ये कौन सी नदी है? इसका नाम है मेघना, या इसको बराक नदी भी बोलते हैं। और यह निकलती कहाँ से है? यह निकलती है जाह्नवी पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? जाह्नवी पहाड़ी से। यह निकलती है जाह्नवी पहाड़ी से, जाह्नवी पहाड़ी से निकलती है, जाके जैसे ही पद्मा से मिलती है उसका नाम क्या होता है? मेघना। और इसे बराक नदी भी कहते हैं। तो अब हम लोग इतनी बात जान लिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ उसका नाम क्या होता है। अब उसके बाद मैं एक आपको बात किया था नदी माजुली द्वीप का, जो कि मैं लिखवाया नहीं, उसको आप लोग लिख लीजिए, वह फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसका हम लोग बात कर रहे हैं? मांजुली नदी द्वीप, मांजुली नदी द्वीप। मांजुली नदी द्वीप देखिए क्या है, ये जो है 2016 में इसको जिला घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। 2016 के पहले, 2016 के पहले यह जोहरत का हिस्सा था। जोहरत जो कि कहाँ है? असम में, असम का एक जिला है, उसका हिस्सा था। ये माजुली जो है यह जिला घोषित हुआ है नदी द्वीप, आप पूरा मत समझे, जो माजुली है यह 2016 में जिला घोषित कर दिया गया, उसके पहले किसका हिस्सा था? यह जोहरत का हिस्सा था। इसमें दूसरी बात क्या थी कि 2016 में ही इसको गिनीज वर्ग रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और इसकी जो एरिया की हम बात कर रहे थे, लगभग 758 किलोमीटर स्क्वायर में है, और पॉपुलेशन जो यहाँ की है, पॉपुलेशन लगभग 1.5 लाख है। पॉपुलेशन कितना है? 1.5 लाख है। अब उसके बाद मैंने आपको एक बात और बताई थी, लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र से कहाँ मिलती है? पासी की घाटी में। पासी की घाटी में मिलने तो लोहित नदी क्या होता है, उसमें लाल अवसाद है, इसीलिए इसको खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि खूनी नदी को, खूनी नदी किस नदी को जानते हैं, तब किसको बताएंगे? लोहित नदी को। एक नदी हम और देख लेते हैं इसमें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वह नदी उसका नाम है, ये निकलती है कहाँ से? असम से बहती हुई आती है। असम कहाँ से प्रवेश करती है? असम में ये प्रवेश करती है, जो कि मानस नदी नाम है, नाथुला दर्रे से प्रवेश करती है। यह निकलती कहाँ से है? यह निकलती है तिब्बत वाले क्षेत्र में जेमू ग्लेशियर से, जेमू ग्लेशियर से निकलती है। यह नाथुला दर्रे से प्रवेश करते हुए आकर कहाँ मिल जाती है? आकर जमुना नदी से मिल जाती है। थोड़ा नदी और मोटा बना लें जो कि पता रहे, आकर कहाँ मिल जाती है? नाथुला दर्रे से प्रवेश करके यह मिल जाती है कहाँ? आकर मिल जाती है जमुना नदी से। और इसी तिस्ता नदी पर एक तिस्ता परियोजना इस समय चल रहा है, तिस्ता परियोजना। तिस्ता नदी को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछता है कि तिस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कि जमुना में, जमुना या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यह मिलती है। अगर पूछ दे
अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि जमुना नदी जो है, सॉरी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह कितने राज्य से होकर बहती है भारत के, तो कितने राज्य से? दो राज्य से। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश और असम। अगर पूछ दे कि यह कितने देश में बहती है, तो कितने देश में? तीन देश में, भारत, बांग्लादेश और उसके बाद चीन। चीन से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में ड्रॉप करती है। बांग्लादेश के किनारे पे क्या करती है? ड्रॉप करती है। तो आपको पता हो गया ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम के बारे में। हाँ, एक बात और इसमें है, इसके किनारे जो है, इस नदी के किनारे तीन जिला बसा है, जिसका नाम क्या है? तीन नगर बसा है, जिसका नाम क्या है? डिब्रूगढ़। आप लोग डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस सुने होंगे, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ गांव। फिर क्या बसा है? गुवाहाटी। गुवाहाटी। फिर कौन सा नगर बसा है? तेजपुर। ये सब कहाँ है? असम में है। सब कहाँ है? असम में है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि डिब्रूगढ़ गांव किस नदी के किनारे बसा है, तो आप तो बता दोगे ब्रह्मपुत्र, लेकिन अगर आपसे तेजपुर पूछ ले, तेजपुर क्वेश्चन में आया हुआ है, अभी पिछले पेपर में मैंने देखा था, उसमें क्या था, तेजपुर UPSC का पेपर मैं एक साल कर रहा था, लेखपाल का ही, उसमें दिया था तेजपुर नगर किस नदी किनारे बसा है, तो बसा है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, कहाँ पे? असम में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें कि जिससे और लोग भी देखें और उससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मेरे परिवार की तरह वह साथ में जुड़ जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।